लोग अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो याद रखना जिनके सर पर कुछ कर गुजरने की धुन सवार हो जाती है ना, वो कामयाब बन जाते हैं। अगर कामयाबी का राज पूछना है तो रोनाल्डो से पूछना। रोनाल्डो की फिटनेस के बारे में लोग बताते हैं कि जब एक दिन सारे प्लेयर्स अपने अपने रूम्स में बैठे होते हैं तो सामने वाले दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और जाकर देखने पर पता चला कि रोनाल्डो इस वक्त भी दरख्तों के बीच अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। और जब सारे प्लेयर्स मैच ख़त्म करके अपने रूम्स में जाते हैं तो रोनाल्डो इस वक्त अपने जिम में अपने वर्कआउट के लिए निकल जाते। और ऐसे लोगों को दुनिया अक्सर पागल कहा करती है। लोगों ने उसेन बोल्ट को भी पागल कहा था क्योंकि वह रनिंग ट्रैक पर पागलों की तरह दौड़ा करता था, और उस पागल ने विद इन 115 सेकेंड्स खुद को $119 मिलियन का मालिक बनाकर बता दिया कि हाँ, हम जैसे पागल ही अक्सर मकाम पाते हैं लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी पागल कहा था, लोगों ने इमरान खान को भी पागल कहा था, लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी पागल कहा था, हाँ, लोगों ने APJ अब्दुल कलाम को भी पागल कहा था। और कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए इरादों में जुनून होना चाहिए, जिनके अंदर हो उबाल ऐसा खून होना चाहिए, मायूस ना होना अपनी ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए एक स्टेटस होना ज़रूरी है। और मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारी कामयाबी तुझसे छीन ले। खुद को बिखरने मत देना कभी भी, किसी भी हाल में लोग गिरे हुए मकान की अक्सर ईंटें भी उठा कर ले जाते हैं। कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। और जिन लोगों की आदतों में हार मानना नहीं होता, वो कभी वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो कभी जीत की ठान लेकर दुनिया को हरा देते हैं, तो कई लोगों के पक्के यकीन तोड़कर खुद को कुर्सी पर बिठा देते हैं, और जो बांध कर कफन सर पर मंजिलों की ओर निकलते हैं ना, अक्सर उन्हीं लोगों के रास्तों में रुकावटें भी आकर दम तोड़ देती हैं प्रैक्टिस इज़ ओनली थिंग दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट।